अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ऐसे कैसे मैं एक मिनट में जवाब दे सकती हूँ? ये मेरे जिंदगी का सवाल है। ठीक है, एक काम करती हूँ, कल 2 बजे मैं तुम्हारे घर आती हूँ और फिर बता दे कि मुझे किससे प्यार है। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूँ वो कोलकाता से मुंबई आई हीरोइन बनने के लिए, और वो अलग अलग तरह की फिल्मों में अलग अलग किस्म के रोल करना चाहती थी। वो हीरोइन तो बन गई लेकिन सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में, और वो है द ब्यूटिफुल रिमी सेन। जिसके पास एक प्यार भरा दिल हो, जो कुछ क्रिएटिव काम करता हो, जैसे कि आर्किटेक्ट, और सबसे बड़ी बात, जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। एक दिन आएगा वो सपनेरा राजकुमार, घोड़े पे सवार, बाहों में उठा के मुझे लेके जाएगा बादलों के पार। और पता है उस राजकुमार का चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। सच? तुम्हारी कसम। 21 सितंबर 1981 में पैदा हुई थी रिमी कोलकाता में एक बंगाली फैमिली में। उनके पिता का नाम है राजा सेन और माँ का नाम है संगम मित्रा सेन, और उनकी एक छोटी बहन भी है और उनका नाम है रोमी सेन। और रिमी का असली और पूरा नाम है शुभमित्रा सेन। रिमी ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता से की, विद्या भारती गर्ल्स हाई स्कूल से, और अपनी कॉमर्स की डिग्री ली कोलकाता यूनिवर्सिटी से। रिमी को एक्टिंग करने का और डांस करने का शौक बचपन से था, और रिमी ने बाकायदा ओडिसी क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली थी अपनी गुरु अलोका कानुंगो से। रिमी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें, लेकिन रिमी के ग्रैंडफादर ने रिमी को फुल सपोर्ट दिया और समझाया कि रिमी की खुशी में ही उनकी खुशी होनी चाहिए। रिमी के पेरेंट्स मान गए और सबसे पहले रिमी ने अपना एक पोर्टफोलियो खिंचवाया और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिस में अपनी फोटोज भेजी, और बड़े बड़े एड एजेंसीज में भी अपनी फोटोग्राफ भेजी, और बहुत जल्द ही उन्हें एक बहुत बड़ा एड कैंपेन मिला आमिर खान के साथ। थैंक यू भैया। भैया अजी फिर नोटों में चक्कर में लग गए ना। इस एड की वजह से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने रिमी को नोटिस किया, और बहुत जल्द रिमी को एक तेलुगु फिल्म की ऑफर आई 2002 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर बी श्रीनिवास राव की तरफ से। फिल्म का नाम था नी तोड़ू कवली, और रिमी के ऑपोजिट थे साउथ के अपकमिंग एक्टर दीपक। और हम आपको बताते हैं कि दीपक का असली नाम है अर्जुन बाजवा, और अर्जुन को आपने कई हिंदी फिल्मों में और वेब सीरीज में देखा है। दोस्तों, इस फिल्म में रिमी का काम लोगों को बहुत पसंद आया, और साउथ के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर प्रियदर्शन ने रिमी को फौरन एक ऑफर दे दी अपनी हिंदी फिल्म के लिए। फिल्म का नाम था हंगामा, जो आई थी 2003 में, और रिमी के ऑपोजिट दो हीरोज थे आफ्ताब शिवदसानी और अक्षय खन्ना। मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखा, अरे दिखा, दिखा, अरे दिखा दूंगा मैं तेरे सारा कायर हिम्मत ने। सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। जी आपसे मिलना था लेकिन मैडम ने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। वो तो झूठ बोलते, मैं तो फ्री रहता हूँ, बताइए ना क्या था। दरअसल मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। हंगामा के बाद रिमी ने कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में साइन कर ली, जैसे यश राज की धूम और बी आर चोपड़ा की बागबान। ओ माँ, ये तो भालू का थाली, और तुम यूं ही डर रहे थे।
गुड जय, देखा अली, जय इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा ख्याल रखेगा वो। हाँ चलो जाली, हम मंदिर चलते। अच्छा सुनो, वेन्यू कौन सा है, रिसोर्ट या रिट्रीट? रिसोर्ट। ओके पायल, इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और वो भी इन कपड़ों में? टोक दिया ना आप, ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। मूड ऑफ कर दिया। दोस्तों, रीमी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी और बहुत जल्द उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे गरम मसाला, क्योंकि दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी और गोलमाल, फन अनलिमिटेड। अभिजीत सावंत इज माय फेवरेट। मेरा भी। अच्छा, वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। गिटार? वो सिंगर है, गाना गाता है। अच्छा हाँ, तो वो जो पीछे गिटार बजाता है वो कौन है? पीछे मुझे कैसे पता होगा। अच्छा, हाँ, जाने दीजिए। दोस्तों, रीमी को ज्यादातर कॉमेडी रोल्स ही मिल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो एक जैसे रोल्स करते करते बोर हो गई। अब उन्हें इंतजार था एक ऐसे रोल का जिसमें वो अपनी कला के जौहर दिखाएं। उन्होंने 2007 में एक फिल्म साइन कर ली जिसमें उनका रोल बहुत हटके था, और उस फिल्म का नाम था जॉनी गद्दार, और रिमी के ऑपोजिट थे नील, नितिन, मुकेश। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। प्लीज विक्रम, यहां से कहीं निकल जाते हैं, कहीं भी प्लीज। जॉनी गद्दार के बाद भी उन्हें कॉमेडी रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, इसलिए रिमी सेन वो ऑफर्स ठुकराती रही, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ऑफर्स आना बंद हो गए। रिमी ने यह महसूस किया अगर उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली तो वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे थैंक यू और शागिर्द। क्या ड्यूटी करती है आपकी पुलिस? रोज सरेआम दिन दहाड़े लोग किडनैप हो रहे हैं, दिल्ली की सड़कों से लड़कियां उठाई जा रही हैं, कहीं पे भी किसी का भी खून हो रहा है, और स्ट्रेस, किस तरह की स्ट्रेस की बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो हमारी जनता को है, कहीं पे भी कोई सेफ नहीं है। इन दोनों फिल्मों के बाद भी रिमी को कोई ऑफर्स नहीं आई। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, वो नाउमीद हो गई और डिप्रेशन में चली गई। इसी दौरान यानी 2015 में उन्हें एक रियलिटी शो का ऑफर आया बिग बॉस 9 की तरफ से। रिमी ने फौरन वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच के कि बिग बॉस में उन्हें प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स देखेंगे और उन्हें अच्छे रोल ऑफर करेंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, जब इंसान ठोकर खा के गिरता है तो या तो वो मिट्टी में मिल जाता है या उठकर अपने आप को संभालता है। रिमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रिमी ने अपने आप को संभाला और अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बॉडी के साथ साथ उन्होंने अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग किया, और फिर रिमी ने फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा एंट्री की, नॉट एज एन एक्ट्रेस बट एज ए प्रोड्यूसर। उन्होंने वायकॉम 18 और कोड रेड फिल्म्स के साथ मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस की। फिल्म का नाम था बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, जो आई थी 2016 में। और दोस्तों, ये बताना बहुत जरूरी है कि इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिमी ने शादी नहीं की है, वो कहती हैं मैं अकेले ही बहुत खुश हूं। अब रिमी फिल्मों में काम करना नहीं चाहती, अलबत्ता वो वेब सीरीज करना चाहती हैं अगर रोल प्रॉमिसिंग हो तो। रिमी, तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।